मैं आपके साथ बातें करते करते ही चाय पी रही हूँ। मेरा गला थोड़ा फंस गया है और लगता है कल दही बड़े मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिए हैं, इसलिए गला भी थोड़ा थोड़ा सा फंसा फंसा सा साउंड आ रहा है। और चलो ठीक हो जाएगा, बहुत दिन के बाद भी दही बड़े बनाए थे तो अच्छे से जम के खा लिए हैं और राकेश को भी काफ़ी अच्छे लगे। तो चलिए चाय पीते हैं। मुझे ना अदरक वाली चाय बहुत पसंद है, मतलब बिना अदरक के मेरी चाय बनती ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है ना जैसे अदरक डाल दो तो इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है चाय में ना। और सुबह सुबह की चाय अकेले अकेले पीना, क्योंकि राकेश पीते नहीं है, लेकिन मैं अपनी ही कंपनी को इतना इंजॉय करती हूँ ना चाय के साथ कि मैं बता नहीं सकती। मैं जब मेरे पापा के घर में थी तब वहाँ पे सारे लोग चाय पीते थे मेरे भैया को छोड़कर, और काफ़ी मतलब ये रहता था कि चाय बनेगा तो इवनिंग में भी बनेगी और सब कंपनी मिलेगी। लेकिन यहाँ पर मैं इवनिंग में चाय नहीं बनाती, क्योंकि इवनिंग में जब कोई साथ में पीने वाला हो ना तभी मज़ा आता है। मॉर्निंग में तो आपको अगर चाय की आदत है तो पीनी ही पीनी है, तो वो तो मैं बनाती हूँ और मज़े से पीती हूँ, सही बता रही हूँ। बहुत लोगों को इलायची वाली चाय बहुत अच्छी लगती है, पर मुझे पता नहीं क्यों इलायची वाली उतनी अच्छी नहीं लगती है, बस ठीक ठाक लगती है। लेकिन अदरक वाली चाय का तो अपना ही मज़ा है। बिहार में तो छठ होती है ना, छठ के दूसरे दिन यानी कि जिस दिन पारण रहता है यानी कि जो मॉर्निंग में अर्ध होता है उस दिन घाट पे चाय लेकर भी जाते हैं। और उस दिन जो सारे लोग चाय पीते हैं ना उस ठंडी में उस घाट पे, उसका अपना ही मज़ा है। मतलब मैं पिछले 10 सालों से यानी कि जब से मेरी शादी हुई है उस चीज़ को बहुत मिस करती हूँ। अब तो खैर माँ छठ नहीं करती है, लेकिन वो जो बचपन की यादें रहती है ना, जब आप शादी के पहले वाली, वो दिमाग से कभी नहीं जाती है। आप उनको सोच सोच के खुश होते हैं, उनको याद कर कर के लगता है अरे वाह क्या दिन थे। तो उस समय जो घाट पे चाय पीने का मज़ा था, हालांकि वो हम लोग के लिए नहीं जाती थी, वो जाती थी जो कि छठ किए रहते थे यानी जो फास्ट किए रहते थे उनके लिए जाती थी। लेकिन बड़े थर्मस में जाने से वो थोड़ा तो बच ही जाता था और सारे लोगों का हो भी जाता था, तो हमें भी मिल जाता था। और सच बताओ तब इतना मज़ा आता था, इतना मज़ा आता था वो उस चाय में कि ऐसा लगता था कि ऐसी चाय तो कभी पी ही नहीं हमने। तो चाय की कहानी तो खैर चलती रहेगी। चलिए चाय पीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। आज है यहाँ पे गणेश विसर्जन और बच्चों का आज हॉलीडे है, तो बच्चे सारा दिन बदमाशी कर रहे हैं। आज मैं आपके साथ एक शेयर करूँगी कि 1 साल से बड़े बच्चों को रोटी किस तरह खिलाएं। मेरे बच्चे तो थोड़े बड़े हो गए हैं तो वो रोटी और सब्ज़ी भी खा लेते हैं, लेकिन 1 साल से बड़े बच्चे जो कि काफ़ी छोटे रहते हैं उनको रोटी खिलाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, गले में अटकने का डर भी रहता है। तो मैं आज वो चीज़ बता रही हूँ जो मैंने अपने बच्चों के साथ शुरू किया था। जब वो 1 साल के थे तब से मैंने उनको रोटी देना शुरू किया था, तो मैं कैसे देती थी वो चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको पसंद आएगा और आप भी अपने बच्चों को खिला पाइएगा। आज मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैं कभी कभी बना लेती हूँ इस तरह से बच्चों को, क्योंकि जब कभी हम बाहर जाते हैं तो ये चीज़ें मिलना मुश्किल नहीं होता है जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो इस तरह से आप कहीं भी अभी बाहर जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, तो बच्चों को आराम से खिला सकते हैं। तो देखिए मैं कैसे खिलाती थी 1 साल से छोटे बच्चों को। और आज है स्कूल बंद तो बच्चों की बदमाशियाँ दिन भर चल रही है। सुबह जल्दी उठने की आदत से वो सुबह ही उठ गया है दोनों, और दोनों ने पूरा हंगामा करके रखा हुआ है, अभी भी आराम बदमाशी कर रहा है। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ वो क्या कर रहा है। देखिए यहाँ पे आराम ने ये जो
उसका स्लाइड है, उसका स्टेप है, और वो मैंने नीचे करके रखा हुआ है, उसको वो उठा रहा है। ऑलरेडी उसने दो बार उठा लिया था और नीचे फिर से रख दिया था, ये तीसरी बार उठा रहा है और उससे नहीं उठ पा रहा है, तो वो बार बार उठाने की कोशिश कर रहा है। वो घूम फिर के जा रहा है और उसे उठाने की कोशिश कर रहा है, और फाइनली उसने उसे उठा ही दिया है। देखिए, ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने रोटी के टुकड़े कर लिए हैं, रोटी को मैंने अभी ही बनाया है, यानी कि आपकी रोटी बिल्कुल गर्मा गर्म होनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं और एक बड़े से टिफ़िन बॉक्स में डाल दिया है। आप चाहें तो बड़े बाउल का यूज़ कर सकते हैं। हमें यहाँ पे रोटी को दूध में डुबोना है, दूध यहाँ पे बिल्कुल गर्म होना चाहिए, यानी कि अभी अभी उबला होना चाहिए, तभी रोटी जल्दी से फूलेगी। अगर गुनगुना रहेगा तो रोटी फूलने में बहुत टाइम लग जाएगा, और उस तरह से रोटी फूलेगी भी नहीं अच्छी, इसलिए दूध का गर्म होना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो टिफ़िन बॉक्स है उसमें मैंने सारी रोटियों को रख लिया है। मैं दोनों के लिए बना रही हूँ यहाँ पे दूध रोटी। तो यहाँ पे मैं दूध डाल रही हूँ, दूध बहुत ही ज़्यादा गर्म है, यानी कि जस्ट अभी उबला हुआ है। ठंडा होने से रोटी फूलने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस तरह गर्म रहे तो 15 से 20 मिनट में रोटी बिल्कुल फूल जाती है। और फिर हम इसको फॉर्क की हेल्प से मैश कर लेंगे, बिल्कुल सेरेलेक जैसा बना, बच्चों को आसानी से इसे खिला सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैं फॉर्क की हेल्प से इसे मैश कर रही हूँ। आप चाहे तो हाथ का भी यूज कर सकते हैं, पर चूंकि बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ इसलिए मैं हाथ का यूज़ नहीं करना चाहती हूँ। मैं फॉर्क की हेल्प से इसे मैश करती हूँ। 1 साल तक के बच्चे चबाना नहीं सीख पाते हैं, यानी कि रोटी अगर आप सूखी उसे खिलाएंगे, रोटी सब्जी खिलाएंगे, तो वो चबा नहीं पाते हैं और उनके गले में भी अटकने का डर रहता है। लेकिन अगर आप इस तरह से रोटी उन्हें खिलाएंगे तो उन्हें अच्छी भी लगती है और उन्हें अटकने का डर भी नहीं रहता है। तो आप इस तरह से एक बार ज़रूर खिला कर देखिए, अगर आपका बच्चा 1 साल से ऊपर का है तो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और यहाँ पे आज भी कलर रिकॉग्नाइज कर रहा है, तो देखिए वो कलर वाली बुक को कितने अच्छे से बता रहा है। Red, blue, yellow, white, pink, brown, black, orange, red, white, brown.